अमीर और गरीब बहन का ससुराल। ऐश्वर्या को दो बेटियां होती हैं। उसकी पहली बेटी बहुत ज्यादा काली थी और दूसरी बेटी बहुत गोरी। ऐश्वर्या को शुरू से अपनी बड़ी बेटी से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। वो उसके काले रंग की वजह से उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी और इसका कारण ये था कि उसका पति बहुत ज्यादा गोरा था और ऐश्वर्या भी बहुत ज्यादा गोरी थी, जिसके चलते कई बार उसका पति अभिषेक ऐश्वर्या से लड़ाई में कह देता है, अरे तुम जैसी औरत पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं है। पता नहीं कहां तूने अपना मुंह काला करवाया होगा, जो तेरी ये काली बेटी इस घर में जन्म लेकर पैदा हुई। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको जरा भी अंदाजा है कि आपने मेरे बारे में क्या कहा है? मेरी शादी हुई है, जब से मैं इस घर से बाहर तक नहीं निकली हूँ, और आप मुझे नहीं बल्कि मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहे हो। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये बताओ कि ये लड़की इतनी काली क्यों है? अगर मेरी बेटी होती या तुम्हारी और मेरी, हम दोनों ही गोरे हैं, हमारी बेटी इतनी काली तो नहीं हो सकती। अभिषेक इसी प्रकार से ऐश्वर्या से बहुत लड़ता है, जिसके चलते अभिषेक और ऐश्वर्या की लड़ाई एक वक्त पर आकर खत्म हो जाती है। वो अब अपनी छोटी बेटी स्नेहा को ही सारा प्यार करते हैं और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। बचपन से लेकर अभी तक उन दोनों के बीच में ये भेदभाव चलता रहता है। पिताजी, आप मेरे लिए वो वाली गुड़िया नहीं लेकर आए? मैंने आपको कहा था ना, मुझे मेरी प्यारी वाली गुड़िया चाहिए। प्लीज आप लाकर दो ना मुझे। ओहो, मेरी प्यारी गुड़िया को एक प्यारी सी गुड़िया चाहिए? हाँ, चिंता मत करो, कल ही मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यारी गुड़िया लेकर आऊंगा। पिताजी, मुझको भी गुड़िया चाहिए। पैसा क्या पेड़ पर रोकते हैं? जो मैं तेरे लिए भी गुड़िया लेकर आऊंगा, इस घर में रहने के लिए मिल रहा है, इतना ही काफी नहीं है क्या तुम्हारे लिए? सलोनी किताब लेकर बैठी होती है। अभिषेक गुस्से से उसकी किताबें फेंक देता है। ये देख सलोनी रोती है और रोकर अपनी माँ ऐश्वर्या के पास पहुँच जाती है, लेकिन ऐश्वर्या भी उसे धुतकार कर अपने पास से भेज देती है। इसी प्रकार अब ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों ही बेचारी सलोनी के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देते और उसका स्कूल तक छुड़वा देते हैं, जिसके चलते सलोनी केवल घर के काम ही करने में रह जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं, जहां अपनी खूबसूरती के कारण स्नेहा अपनी बड़ी बहन सलोनी से नफरत करने लगती है। आज की पार्टी में मैं ही दिखने वाली हूँ, ये ड्रेस तो मेरे पर बहुत ही प्यारी लग रही है, और मुझे देखो जरा मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। चलो चलकर अपनी काली कलोटी बहन को चढ़ाती हूँ। स्नेहा ऐसा सोचने के बाद अपनी बड़ी बहन सलोनी के पास पहुँच जाती है और उसे बंठन कर दिखाने लगती है और ऊपर से उसे उसके काले रंग के लिए ताने भी देने लगती है। काश कि तुम भी गोरी होती तो मैं तुम्हें कह पाती कि हाँ तुम भी मेरी बहन हो, लेकिन तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम इस घर की नौकरानी की हैसियत में ही सोचेबल लगती हो। चलो मैं तो पार्टी में जा रही हूँ, तुम यहाँ झाड़ू पोछा करती रहो। स्नेहा ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन इस बात का सलोनी को जरा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि बचपन से ही वो स्नेहा के ऐसे बर्ताव को झेलती आ रही होती है। अब दोनों शादी के लायक हो जाती हैं, जिसके चलते अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों ही सबसे पहले अपनी छोटी बेटी के लिए अमीर घराने का रिश्ता ढूंढने लगते हैं। बहुत जल्द उन्हें एक अमीर घराने का रिश्ता भी मिल जाता है, जिसके बाद वो अपनी गोरी बेटी की पहले ही शादी कर देते हैं। अरे स्नेहा, तुम्हारी बहुत अमीर घराने में शादी हुई है, देखना बेटी तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी और हमेशा तुम खुश रहोगी। चलो चलो, अब ज्यादा प्यार मत दिखाओ, नहीं तो इसे यहाँ से जाने में बहुत तकलीफ होगी। चलो स्नेहा, अब तुम अपने ससुराल के लिए निकल जाओ। अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों ही स्नेहा को उसके ससुराल के लिए विदा कर देते हैं, जिसके बाद वो अपनी काली बेटी से छुटकारा पाने के लिए उसकी शादी एक बहुत ही ज्यादा गरीब घराने में कर देते हैं। लेकिन गरीब घराने में जाने के बाद सलोनी को एक बहुत अच्छा परिवार मिलता है। वो लोग गरीब तो होते हैं, लेकिन सलोनी की बहुत कदर करते हैं। आओ बहू, घर के अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। देखो हम लोग गरीब हैं, लेकिन इस घर में तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे। जो प्यार सलोनी को कभी अपनी माँ से नहीं मिला, वो प्यार उसे अपनी सास से मिलता है और उसकी आंखें भर आती हैं। वहीं उसका पति अर्जुन बहुत समझदार होता है और एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करके वो अपने घर का जैसे तैसे गुजारा करता है। उन सभी का इतना अच्छा बर्ताव देखकर सलोनी गरीबी में भी खुशी से रह रही होती है, तो वहीं उसकी छोटी बहन स्नेहा अपने ससुराल में अपने अमीर परिवार के साथ परेशान हो जाती है। अरे माँ जी, कहाँ जा रही हो आप? तुम्हें नहीं पता, हर सैटरडे नाइट मेरी किटी पार्टी होती है और उसके बाद मैं फुल नाइट बाहर ही रहती हूँ, तो आज मैं घर पर वापस नहीं आने वाली हूँ। मेरा इंतजार मत करना और मेड से कह देना कि मेरा खाना न बनाए, वैसे तो उसको पता ही है। मायावती ऐसा कहकर अपनी ब्लैक कैट को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद स्नेहा अपने मन में सोचती है,
आज तो माजी भी घर पर नहीं है और आज शायद विकास जी भी घर पर जल्दी ही आ जाएंगे। आज मैं उनके लिए सरप्राइज प्लान करती हूँ, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये सोचकर स्नेहा अपने पति को सरप्राइज देने के लिए घर पर डेकोरेशन करती है और उसके लिए केक बनाती है। लेकिन जैसे ही विकास ऑफिस से घर आता है, वो स्नेहा से कहता है, What the hell? ये सब क्या कर रखा है? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं ऑफिस में कितना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, और फिर यहाँ आकर मैं सोचता हूँ कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिले, लेकिन तुम हो कि पूरे घर को बिखेर कर रखा है। विकास का ऐसा बर्ताव स्नेहा को बहुत अजीब लगता है। वो हमेशा उससे रूड बिहेव करता है, यहाँ तक कि वो उसके साथ कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन स्नेहा के मन में अपनी गरीब बहन से मिलने के लिए सोच आती है। मैं तो एक लग्जरी लाइफ जी रही हूँ, लेकिन मैं देखूँ तो सही मेरी गरीब बहन का क्या हाल हो रखा है। आज मैं उससे उसके घर पर मिलने जाती हूँ और उसकी बहुत सारी बेइज्जती करूँगी। ऐसा करके मुझे बहुत सुकून मिलेगा। स्नेहा ऐसा ही सोचकर अपनी गरीब काली बहन के घर पहुंच जाती है, जहां सलोनी उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है। ओ माय गॉड, तुम्हारी तो बहुत ही बुरी हालत है, तुम इतने गरीब परिवार में रह रही हो। छी 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 छी, यहां तो बैठने के लिए साफ कुर्सी तक नहीं है। तुम्हें पता है ना मैं कितनी बड़ी हवेली में रहती हूँ, मेरे चारों तरफ नौकर चाकर घूमते हैं। तभी अर्जुन कुर्सी साफ करके स्नेहा को देता है। साली साहिबा, आप यहाँ पर बैठिए, मैं आपके लिए समोसे लेकर आता हूँ। ओहो, वेरी टिपिकल शब्द, तुम्हारा मुझे साली साहिबा बोलने की जरूरत नहीं है। आई डोंट लाइक इट। और हाँ, वो बाहर के समोसे में खाना पसंद नहीं करती, मुझे तो 5-स्टार होटल के समोसे ही पसंद आते हैं, और वो लाने की तुम्हारी हैसियत ही नहीं होगी। ये कहने के बाद स्नेहा वापस अपने घर आ जाती है, जहाँ वो अपने पति विकास को मूवी देखने के लिए कहती है। लेकिन विकास तेज ऊंची आवाज में कहता है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है, मैं तुम्हारी तरह फोकट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। मेरे पास कहीं जाने का कोई टाइम नहीं है, मुझे अपने ऑफिस का बहुत सारा काम है। येलो कार्ड, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, शॉपिंग करना है शॉपिंग करो, बस मेरा पीछा छोड़ो। ऐसा कहने के बाद विकास अपने काम में लग जाता है। इसी के चलते स्नेहा को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपने आप से कहती है, सब कुछ है मेरे पास, अमीर परिवार, पैसा, बंगला, लेकिन इन सब चीजों के होने के बाद मुझे वो खुशी नहीं है जो खुशी मुझे मेरी गरीब बहन के घर में उसके चेहरे पर देखने को मिली। सब कुछ होने के बाद भी मैं अकेली हूँ, लेकिन मेरी बहन के पास कुछ भी न होकर वो बहुत खुश है। कुछ टाइम बाद स्नेहा अपनी गलती की माफी मांगने के लिए अपनी बहन के घर जाती है, जहां वो उसकी हालत सुधर चुकी थी, क्योंकि उन दोनों ने समझदारी के चलते एक समोसे की दुकान खोली और उससे उन्होंने कमाने का साधन खोज लिया, जिसके चलते अब उनकी रोजाना की कमाई से वो अपने घर की परेशानियों को दूर कर देते हैं और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा से आपको बहुत बुरा भला कहा और माँ पिताजी ने भी आपको कुछ नहीं समझा, लेकिन आज जब मैं अकेली हुई तो मुझे पता चला कि अकेले होने का एहसास कैसा होता है। धत पगली, तुम मुझसे छोटी है, तुझे मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आज मैं तुझे अपने हाथों से बने हुए समोसे खिलाऊंगी। सलोनी अपने हाथों से स्नेहा को समोसे खिलाती है। अपनी बड़ी बहन का ये प्यार देखकर सलोनी बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। गरीब नंद भाभी की जादुई बैंगन खेती। कड़ी धूप में महेश अपने बैंगन के खेत में खाद डालकर पानी डाल रहा था और उसे उपजाऊ बनाने के लिए कुछ दिनों से कड़ी मेहनत कर रहा था। ये क्या, इतने दिनों से सोच रहा हूँ कि अच्छे बैंगन आ जाएं तो बाजार में बेच दूंगा। इतने दिन से घर में ठीक से किसी ने कुछ भी नहीं खाया है और माँ की दवाई का भी समय हो गया है और सिर्फ इतने ही बैंगन आए हैं खेत में। अब मैं सरपंच जी को क्या दूंगा और बाजार में क्या बेचूंगा? हे भगवान, मुझ पर अपनी थोड़ी दया दृष्टि डालो। ऐसा कहकर महेश फिर से अपने खेत में काम करने लगता है और आए हुए 10-20 बैंगनों को इकट्ठा कर लेता है। इतने में सरपंच एक आदमी के साथ आता है जो कि सरपंच के सर पर छाता पकड़े हुए था। अरे महेश, तुम्हारा पूरा महीना हो चुका है, बैंगन तो 20 दिन में आ जाते हैं, कहाँ है मेरे बैंगन? तुमने मुझसे इतने सारे पैसे लिए हैं इस बैंगन को खेत में लगाने के लिए। तुमने वादा किया था या तो पैसे दोगे या बैंगन, अब बैंगन नहीं तो पैसे पेश करो, चलो। साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए या फिर इतने बैंगन ले लीजिए, क्योंकि सही से खेत उपजाऊ नहीं हो रही है। अरे तेरा तो 2 महीने से यही नाटक चल रहा है, और कान खोल कर सुन ले, अब मैं तुझे और पैसे नहीं दूंगा। मैं नहीं जानता कैसे भी करके मेरे पैसे चुका या उतने बैंगनों से भरपाई कर, 1 हफ्ते की तुझे मोहलत दे रहा हूँ। साहब, इतनी जल्दी मैं आपको कैसे पैसे लौटाऊंगा, थोड़ा और समय दे दीजिए।
मुझे तेरी कोई और बात नहीं सुननी है। सरपंच महेश को खरी खोटी सुनाकर चला जाता है। वहीं बेचारा महेश अपने बचे कुचे बैंगन लेकर मंडी में बेचने जाता है, लेकिन अधिकतर किसान बैंगन बेच रहे थे, जिस वजह से उसके बैंगन भी नहीं बिकते और वो वापस घर आ जाता है। प्रियंका, सुमन, अरे कोई पानी देना। ये लीजिए भैया। अजी क्या हुआ, आप बहुत मुरझाए हुए लग रहे हैं, कल से भी ज्यादा, कुछ तो कहिए। क्या बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर की स्थिति से अच्छे से वाकिफ हो और खेत बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं हो रही है। 15-16 बैंगन ही ठीक से आए हैं, अब मैं सरपंच जी के पैसे कैसे चुकाऊंगा। आप चिंता क्यों करते हैं, भगवान जरूर कुछ कृपा कर देंगे, हो सकता है वो हमारा इम्तिहान ले रही हो। माँ, मुझे जलेबी खानी है, आज दिला दो ना। हाँ माँ, अनुराग कब से जलेबी की रट लगाए बैठा है, अब तो मुझे भी जलेबी चखने का मन हो रहा है। बेटा सब्र करो, थोड़े दिन बाद मैं तुम्हें खुद जलेबी खिला दूंगी, पर अभी पैसे नहीं हैं, पापा का काम नहीं चल रहा है ना। माँ, आप ये बात हमें 3-4 दिन से कह रही हो। अनुराग बाबू, मैं खुद जलेबी बनाऊंगी घर में, ठीक है, सामान लाने के बाद। अरे बेटा, सुमन कुछ कहती इससे पहले रोहिणी के कमरे से कुछ बर्तन गिरने की आवाज आती है। घर के सभी सदस्य भाग कर पहुँचते और गिरी हुई रोहिणी को बिस्तर पर लेटाते हैं। माँ, आप बिस्तर से क्यों उठी? हाँ माँ जी, आप जानती हैं ना, आप ज्यादा चल फिर नहीं पा रही हैं इस टाइम, फिर क्यों उठी आप? अरे बहू, बस मुझे पानी पीना था इसीलिए उठी थी, लेकिन गिर पड़ी, पेट के दूसरी तरफ ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत देर से दवाई मिली नहीं। भाभी, माँ को ज्यादा तकलीफ ना हो जाए इसलिए हमने जो पैसे जोड़े हुए हैं उसी से ही एक बार माँ को अस्पताल ले जाते हैं, दवाई भी नहीं है उन पर। हाँ, ये ठीक रहेगा। रोहिणी की बिगड़ी हालत को देखकर घर के सभी लोग उस डॉक्टर के पास पहुंचा देते हैं, जहां उसका पथरी का इलाज चलता है। ऑपरेशन होने के बाद रोहिणी घर वापस आ जाती है, लेकिन कुछ घंटे बाद रोहिणी चल बसती है। इससे घर वालों को बहुत बड़ा धक्का लगता है और महेश पर घर के खर्चे और सरपंच के दिए हुए कर्ज का दबाव बनता है, जिससे वो घर छोड़कर चला जाता है। इस बात से सुमन बिल्कुल बिखर जाती है। महेश जी, रुक जाइए, मुझे इस राह पर अकेले छोड़कर मत जाइए। भाभी, खुद को संभालिए, मैं आपके साथ हूँ। प्रियंका, क्या संभालूं मैं तुम्हारे भैया के बगैर दोनों बच्चों का कैसे ख्याल रखूंगी? सरपंच के पैसे तो चुकाने पड़ेंगे और माँ जी भी नहीं रही अब। भाभी, मैं आपके साथ मिलकर खेत में दोबारा मेहनत करूंगी, क्या पता बैंगन उग जाए और हम सरपंच के पैसे चुका दें। चलिए वहीं चलते हैं, अभी शाम के 4 बजे हैं। बच्चों, तुम दोनों यहाँ से कहीं मत जाना, हम अभी आते हैं। ठीक है बुआ। फिर दोनों ननंद भाभी खेत में जाकर दोबारा खाद डालने की प्रक्रिया करते हैं। कुछ देर बाद एक विकलांग व्यक्ति बैसाखी से गुजरता है तो गिर पड़ता है, तभी ननंद भाभी मिलकर उस व्यक्ति को बैठाते हैं। भाई साहब, आप ठीक तो हैं? इतनी बुरी दशा में आप कहाँ जा रहे थे? अब क्या बताऊं, मैं बेचारा गरीब खाने के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ तो पत्थर से टकरा कर गिर पड़ा अभी। हाँ, आप परेशान मत होइए, हमारे घर चलिए, हम आपको खाना खिलाते हैं। भाभी, 2 बैंगन पड़े हैं, उसी का भरता बना देती हूँ मैं, आप आइए। घर जाकर ननंद भाभी उस विकलांग व्यक्ति को बचे हुए 2 बैंगन का भरता बनाकर खिलाती है, उनकी सेवा करती है। तभी खुश होकर वो एक देवता के रूप में आ जाते हैं। सुमन और प्रियंका, मैं तुम दोनों से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम में दया दृष्टि के भाव है, एक अनजान व्यक्ति होने के बाद भी तुमने मेरी सेवा की, मुझे खाना खिलाया, इसलिए तुम अपनी परीक्षा में पास हुए। दरअसल मैं गरीब लोगों की मदद करता हूँ और फलस्वरूप तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा बैंगन का बंजर खेत एक जादुई बैंगन के खेत में बदल जाए, और याद रखना, ये कभी खराब नहीं होगा और एक तोड़ते ही दूसरा आ जाएगा। भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी जय हो। ये सुनते ही वो देव रूपी अवतार अंतर ध्यान हो जाता है, जिसके बाद नंद भाभिया वापस अपने खेत पर जाते हैं, जहां ढेर सारे जादुई बैंगन को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे प्रियंका, तुम देख रही हो कितने सारे बैंगन है, मैंने कहा था ना, भगवान के घर पर देर है अंधेर नहीं। हाँ भाभी, आपने ठीक कहा, पर
अब हमें अपना फल मिल चुका है, हमारे घर की गरीबी खत्म हो जाएगी। मैं इन बैंगनों को तोड़ती हूँ, फिर मंडी में बेचने चलेंगे। मैं भी। जैसे ही सुमन एक बैंगन को तोड़ती है तो सुनहरी रोशनी से दूसरा बैंगन आ जाता है, और ऐसा ही ननंद के साथ होता है। दोनों बहुत खुश थीं और वो एक टोकरी में ढेर सारे बैंगन को इकट्ठा करके बाजार बेचने चली जाती हैं, जहां और कम कीमतों में उनके बैंगन जल्दी जल्दी बिक जाते हैं। बैंगन ले लो बैंगन, 20 के 3 किलो, 20 के 3 किलो। बहन जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ, इतने सस्ते बैंगन पूरे बाजार में सिर्फ यही हैं। आप ना मुझे 5 किलो दे दीजिए, घर पर बैंगन के पकौड़े बनाने हैं। ये लीजिए बहन जी। सस्ते बैंगन बेचने पर कुछ ही घंटे में सुमन और प्रियंका के सारे बैंगन खत्म हो जाते हैं। उन्हें बहुत मुनाफा मिलता है और वो सरपंच के सारे पैसे चुका देते हैं। अरे वाह, तुमने पैसों के साथ ब्याज के पैसे भी लौटा दिए, क्या बात है। तुम्हारा काम चल गया, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे पति के साथ खराब समय में बदसलूकी की, पर है कहाँ वो? दरअसल वो नौकरी की तलाश में कहीं चले गए हैं। खैर कोई बात नहीं सरपंच जी, आपने भी तो हमारी मदद करने के लिए ही पैसे दिए थे। मैं आपके लिए कुछ बैंगन भी लाई हूँ, ये लीजिए, बहुत स्वादिष्ट है। जरूर जरूर। इसके बाद सुमन फिर से अपने जादुई बैंगनों के खेत से जादुई बैंगनों को तोड़ती है। ये तो फिर से आ गई उसी जगह, क्या जादू है। अगले दिन सुमन और प्रियंका ढेर सारे बैंगन मंडी में बेच कर आती हैं, जिससे उन्हें बहुत पैसे मिलते हैं, और वो बच्चों के लिए नए कपड़े और जलेबी खरीद कर उन्हें देती हैं। अनुराग दीप्ति, आओ जलेबी खाओ बेटा, और रबड़ी भी, तो ये लो। अरे प्रियंका, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारे लिए नया सूट भी लाई हूँ मैं। अरे भाभी, इसकी क्या जरूरत थी, बच्चों के लिए कर देती, वो काफी था। ऐसे कैसे, इस मुश्किल घड़ी में तुमने भी तो मेरी मदद की है। बच्चों से झूठ कह दिया है, मैं महेश जी के बारे में उन्हें बताना नहीं चाहती। आप अपनी जगह सही हैं भाभी। वैसे भाभी, हम रोज पैसे इकट्ठे करेंगे तो अपने टूटे फूटे घर को भी बनवा लेंगे। हाँ, और बच्चों का प्राइवेट स्कूल में दाखिला भी करा देंगे। इस तरह ननंद भाभी मिलकर अपने जादुई बैंगन के खेत से रोज बैंगन को निकाल कर मंडी में बेचती हैं, जिससे उन्हें बहुत मुनाफा होता है। धीरे धीरे वो अपना एक बड़ा सा घर बनवा लेती हैं। वहीं बच्चों का भी अच्छे स्कूल में दाखिला हो जाता है और प्रियंका की भी एक अच्छी जगह शादी हो जाती है। इस तरह उनके घर की सारी गरीबी मिट जाती है और सुमन जादुई बैंगन खेत की मदद से गरीब लोगों की मदद करके खुशी खुशी रहने लगती है। गोरी घमंडी जेठानी। सुबह सुबह ये गरम गरम अदरक की चाय पीकर तो मजा ही आ गया। ये सुबह सुबह कौन बेल बजा रहा है? रुको बाबा, आ रही हूँ। प्रमोद, ये लड़की कौन है और तुम दोनों शादी के जोड़े में क्या कर रहे हो? माँ देखो, गुस्सा मत होना, लेकिन मैं और तारा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। तारा इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी है, और ये अपने साथ कितना सारा दहेज भी लेकर आई है, आप देखिए तो जरा प्लीज। इतना सारा दहेज, ऊपर से दिखने में भी काफी सुंदर है। अब जो होना था सो हो गया, घर में आई लक्ष्मी को ऐसे नहीं भगाया जाता है। गोमती अंदर आती है और आरती की थाली ले जाकर अपने बहू और बेटे का स्वागत करती है। गोमती लालच की वजह से इस शादी को मंजूर तो कर लेती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। गोमती अपनी बहू तारा को अपने सराखों पर बिठा कर रखती है और उसे घर का कोई भी काम नहीं करने देती है। ये सब देख कर गोमती का छोटा बेटा आशीष मन ही मन सोचता है, भैया ने अपनी मर्जी से शादी कर ली और उसके बाद भी माँ भाभी को इतना प्यार करती है, क्यों ना मैं भी नयन से शादी कर ही लूं। शादी के बाद तो माँ मेरी और नयन की शादी को भी एक्सेप्ट कर लेगी। गोमती का छोटा बेटा आशीष नयन नाम की लड़की से प्यार करता था। दरअसल नयन दिखने में काफी काली थी और एक गरीब घर से भी थी, जिसके चलते आशीष इस बारे में अपनी माँ को नहीं बताता और मंदिर में जाकर नयन से शादी कर लेता है। यही सोच कर कि जैसे उसके बड़े भैया और भाभी की शादी को उसकी माँ ने मंजूर कर दिया था, वैसे ही उनकी भी शादी को मंजूर कर लेगी। लेकिन ये आशीष की गलतफहमी होती है। आशीष, ये तूने क्या कर दिया, तूने भी अपने बड़े भाई की तरह मुझसे बिना बताए मंदिर में शादी कर ली। मैंने सोचा था तेरी शादी तो मैं धूमधाम से करवाऊंगी, लेकिन नहीं, तूने तो मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। तेरा बड़ा भाई तो कम से कम इतनी सुंदर और अमीर घर की लड़की लेकर आया था, और तू इस गरीब और काली को मेरे घर की बहू बना कर ले आया। ये सोचकर कि मैं तुम दोनों की शादी को मंजूर कर लूंगी। माँ, नयन मेरी पत्नी है और आप मेरी पत्नी की ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकती हो।
अगर आपको ये शादी मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं और नयन घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, आप परेशान मत होइए। अपने बेटे की घर छोड़कर जाने की बात को सुनकर गोमती डर जाती है और ना चाहते हुए भी मजबूरन इस शादी को मंजूर कर लेती है। नयन भले ही गरीब घर से होती है लेकिन नयन में संस्कारों की कोई भी कमी नहीं होती। शादी के बाद नयन अपनी शादीशुदा जिंदगी की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती है, लेकिन वही नयन की जेठानी तारा शादी के बाद भी शॉर्ट मॉडर्न ड्रेस पहनकर घूमना, क्लब जाना और शॉपिंग करना, बस यही काम उसका रह गया था। तारा घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी, लेकिन ये सब देखकर भी गोमती को कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो सिर्फ अपनी बड़ी बहू से ही प्यार करती थी। तारा बहू, आज हमारे पड़ोस में सत्संग है, चल जल्दी से ये साड़ी पहनकर तैयार हो जा, हम लोगों को सत्संग में जाना है। माँ जी, मेरे पास इन बकवास और फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, मुझे इन चीजों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वैसे भी मेरी पार्टी के लिए जाना है और मैं लेट हो रही हूँ, तो आप अकेली ही जाइए। इतना कहकर तारा वहाँ से चली जाती है। तारा का ऐसा जवाब सुनकर गोमती को बुरा तो लगता है लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और घर के सारे कामकाज की जिम्मेदारी बेचारी नयन पर आ जाती है। समय गुजरने के साथ साथ सबको पता चलता है कि नयन प्रेग्नेंट है, लेकिन नयन की प्रेगनेंसी के बारे में सुनकर भी गोमती को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो सारे काम नयन से ही करवाती है। ऐसे ही नयन की प्रेगनेंसी को एक महीना बीत जाता है और तारा भी प्रेग्नेंट हो जाती है। बहू ये ले, मैं तेरे लिए ये देसी घी का बादाम का हलवा बनाकर लाई हूँ, इसे खाने से बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता है। आप पागल हो गई है क्या? मैं इतना ऑयली खाना खाऊंगी? इसको खाने से तो मेरा सारा का सारा फिगर बिगड़ जाएगा। आप इसे ले जाकर फेंक दीजिए, मुझे ये नहीं खाना। बहू खाने का सामान नहीं फेंकते हैं। माँ जी, अगर तारा भाभी ये हलवा नहीं खा रही है तो इसे मैं खा सकती हूँ। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है और मेरा मीठा खाने का भी मन हो रहा है। घर बसा नहीं और भिखारी पहले ही आ गए। ये हलवा आप इसे ही दे दीजिए, वैसे भी इसकी शक्ल काली और बदसूरत है, अगर ये मोटी भी हो जाएगी तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। कितनी बार बोला है, जब भी मेरी बहू कुछ खाने जाया करे तो मत आया कर, लेकिन नहीं, हमेशा मुंह उठाकर आ जाती है। तुझे जो मैंने काम बोला था वो तूने किए है भी कि नहीं? माँ जी, मैंने सारे काम कर दिए हैं। तो खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा यहाँ से और मेरी बहू को खाने दे। अगर आइंदा मेरी बहू का खाना मांगने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक तो ना शक्ल है और ना ही तमीज, पता नहीं कैसी बहू से मेरा पाला पड़ गया है। गोमती की बात सुनकर नयन वहाँ से रोती हुई चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है और नयन के 9 महीने पूरे हो जाते हैं, जिसके बाद नयन एक बहुत सुंदर और प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, लेकिन इसके बावजूद भी गोमती का स्वभाव नहीं बदलता। कान खोल कर सुन, मैं 2 दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, मेरे पीठ पीछे घर के सारे कामकाज अच्छे से करियो। और हाँ, मेरी बहू तारा को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे जो भी चीज चाहिए हो वो ला कर देना और उसका ख्याल रखना। तारा बहू, मैंने इसे सब अच्छे से समझा दिया है, तुझे भी कोई चीज की जरूरत हो तो इससे कह देना। इतना कहकर गोमती वहाँ से चली जाती है और नयन अपनी सास के कहे मुताबिक तारा का ख्याल रखती है। भाभी, मैंने आपको कितनी बार मना किया है, ऐसी हालत में ये हील्स नहीं पहननी चाहिए। भगवान ना करे अगर आप इस हील्स में गिर गई तो इससे आपको और आपके होने वाले बच्चे को काफी नुकसान हो सकता है। अपनी बकवास बातें बंद करो, समझी? तुम्हें खुद को तो फैशन का कोई सेंस है नहीं और मुझे बता रही हो। मैं इतने सालों से हील्स पहन रही हूँ, आज तक मैं गिरी नहीं, अब कैसे मैं गिर जाऊंगी? आइंदा अगर मेरे कपड़ों या हील्स को लेकर मुझे टोकने की कोशिश की तो देखना, तुम्हें माँ जी से कहकर ऐसी डांट खिलवाऊंगी कि 100 जन्म याद रखोगी। तारा की बात सुनकर नयन कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है कि तभी थोड़ी देर में तारा जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है तो उसका हील की वजह से पैर मुड़ जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तारा की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर नयन वहाँ भागी भागी आती है। भाभी, आप गिर कैसे गई? और ये क्या, आपको तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। आप हिम्मत रखिए, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। नयन जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है, जिसके बाद एम्बुलेंस आकर तारा को ले जाती है। डॉक्टर, तारा भाभी ठीक तो है ना? उनकी कंडीशन ज्यादा तो खराब नहीं है ना? देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, गिरने की वजह से काफी ब्लड लॉस हुआ है और उनके ब्लड का ग्रुप हमारे हॉस्पिटल में अभी अवेलेबल नहीं है। टाइम से ब्लड नहीं मिला तो उनकी और उनके बच्चे की जान बचाना काफी मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। डॉक्टर, उनका ब्लड ग्रुप क्या है? ग्रुप ए पॉजिटिव है। मेरा भी ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। आप एक काम करिए,
मेरा ब्लड उन्हें दे दीजिए। डॉक्टर नयन को ले जाते हैं और नयन का ब्लड लेकर तारा की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, जिसके बाद तारा का ऑपरेशन होता है और तारा और तारा का बच्चा दोनों को ही कुछ नहीं होता, दोनों ही सुरक्षित होते हैं। थोड़ी ही देर में सारा परिवार भी हॉस्पिटल में आ जाता है। डॉक्टर से जब तारा को इन सारी बातों का पता चलता है तो तारा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नयन से माफी मांगती है। नयन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ही मेरा बच्चा और मैं जिंदा हूँ। मुझे भी माफ कर दे बहू, मैंने भी तेरे साथ बहुत गलत किया, अब मुझे भी मेरी गलती का एहसास हो चुका है। नयन अपनी सास और जेठानी की बात सुनकर दोनों को माफ कर देती है, जिसके बाद अब तारा कभी भी अपनी देवरानी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करती और ना ही गोमती। अब गोमती अपनी दोनों बहुओं और पोता पोती को एक जैसा प्यार करती है।